वेलकम टू पीप ऑफ फेम। आप देख रहे हैं पीप ओए, मैं हूं आकाश और मैं करता हूं पर्दाफाश। कैसे हैं आप? देखिए, आपका स्वागत है इस चैनल में। और ये बहुत वीडियो देखना जरूरी है अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि जो वीक 13 में इविक्ट होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं दो सदस्य, लव और प्रियंक, उनमें से किसको जाना चाहिए बाहर। बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपनी बातें कर रहे होंगे पर विदाउट फैक्ट्स एंड विदाउट लॉजिक, बट अपना फेवरेटिज्म, अपनी फैनशिप की वजह से बोल रहे होंगे, या कोई पीआर होगा या कोई सोशल ब्लॉगर होगा जिसको पैसे मिल रहे होंगे। पर यहां आपको आकाश भाई सब कुछ डिकोड करके दे देंगे, सब कुछ एनालाइज करके दे देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट, पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस करेंगे। देखिए, दोनों के डोले तो अच्छे हैं पर दिमाग से कौन खेल रहा है, गेम कौन अच्छा खेल रहा है, कौन सी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही हैं और बस पीआर से बायस ना हो। तो अगर आप ये देखें और अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आखिरी तरह फैला दीजिएगा इस वीडियो को अगर आप बिग बॉस के असली फैन है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए डिसरेस्पेक्ट फॉर वुमेन इज शुड नॉट बी एनकरेज। और प्रियंक ने करी है बार बार, शिल्पा को सांड बोला, जो अर्शी हैं उनके बारे में बहुत कुछ बोला, बाहर से जब आए तो बहुत कुछ उगला उन्होंने, बिकॉज रिवेंज लेना चाहते थे और बहुत सारी हेट्रेड दिखाई जो कोर्ट वाला टास्क था उसके बाद। तो प्रियंक बार बार पाए गए हैं डिसरेस्पेक्ट करते रहे हैं वुमेन की, अब माफी मांगी है बाद में जब सलमान ने लताड़ा है। पर जो लव है ऑन दी अदर हैंड, बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई है हिना के साथ, उन्होंने जो फ्रेंडशिप का अलग फायदा नहीं उठाया, उनके साथ प्योर फ्रेंडशिप दिखाई है, प्लूटोनिक फ्रेंडशिप दिखाई। और साथ साथ जो शिल्पा है, जो बिल्कुल ऑपोजिट टीम में थी हिना के अगेंस्ट, ही हिना अच्छी फ्रेंड है पर उनके अगेंस्ट ही, शिल्पा पर शिल्पा का साथ दिया जब जरूरत थी, तब हितेन ने नहीं दिया, जब पुनिश ने दिया, हितेन को सब बोल रहे थे बहुत बढ़िया लोग हैं, पर इतने बढ़िया कैरेक्टर होने की वजह तब भी जो लव है वही हेल्प करते हुए दिखाई दिए, जो ए कैश हैं उनको समझाते हुए दिखे, जो ए कैश हैं बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, शिल्पा थी बहुत अनकंफर्टेबल, तब लव ही थे जो शिल्पा के काम आए थे। और आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि जो लव है बोल रहे थे कैश मत करिए, ये थोड़ा बियॉन्ड द लाइन जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं पिक्चर्स में जो प्रियंक है, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी है लड़कियों के साथ और अच्छी लाइट में नहीं देखे। तो पहला पॉइंट जाता है लव के पक्ष में। और दूसरा पॉइंट भी ज्यादा है लव के पक्ष में, क्योंकि दूसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपोजर लेकर आए हैं। तो लव के पास कोई एक्सपोजर नहीं है, किसी भी रियलिटी शो का एक्सपोजर नहीं है। जब भी आप एक रियलिटी शो करते हैं तो आपके पास एक एज होता है जो प्रियंक के पास था, क्योंकि जो प्रियंक है उन्होंने स्प्लिट्सविला में भी भाग लिया, प्रियंक ने रोडीज में भी भाग लिया, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग हैं उनके नेटवर्क में जो उनको गाइड कर सकते हैं, बाहर भी गए वहां से भी अंदर आए, तो बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे इनपुट लेकर आया। लव ने तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो लव ने किया है वो यही किया है, जो लव ने रिलेशनशिप बनाए यही किया, जो प्रोग्रेस की है, जो लर्निंग करी है, जो करी उस लर्निंग के बाद, वो सब कुछ यहीं किया। तो एक और पॉइंट जाता है, क्योंकि लव को कोई एडवांटेज नहीं था इन चीजों का, कोई एक्सपोजर नहीं था, तो 2-0 से लव लीड में आए। तीसरा पॉइंट भी लव की तरफ जाता है, यहाँ बात कर रहे हैं हम कि फ्रेंडशिप की बात करें और उसको तोलें कि कौन अच्छा फ्रेंड है, तो देखिए बेटर यहाँ अगेन लव दिखे हैं, बिकॉज जो अपनी फ्रेंडशिप है पूरी निभाई है, कभी भी ऑपोजिट गुट में नहीं गए हैं। देखिए दो बार जो प्रियंक है इन्होंने उनको बोला, उनकी जो कंटेस्टेंट हैं, जो कैंडिडेचर, उस पर डाउट किया, उनकी एबिलिटी पर डाउट किया कि वो यहाँ रहना चाहिए उनको या नहीं, प्रियंक ने भी उनको क्रॉस किया, इन्होंने भी किया, पर तब भी जब गए बाहर तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आ गए, अपने फ्रेंड्स को छोड़ा नहीं। पर ऑन दी अदर हैंड प्रियंक हैं, पहला मौका जब मिला तो विकास के पास चले गए इना का दिल तोड़ के, इना तो इनसिक्योर है, उनसे पूछ रहे हैं क्यों गए हो, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि अब इना के अगेंस्ट बिल्कुल हो गए, पूरी बिचिंग कर रहे हैं दोनों के अगेंस्ट, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है। और चौथी चीज जो अगेन लव के पक्ष में चली जाती है, और लव 4-0 से लीड ले लेते हैं, क्योंकि देखिए उनका कोई दोस्त नहीं था स्टार्ट से, जो दोस्त बनाए उन्होंने घर में वो यहीं बनाए हैं, यहीं घर में बनाए हैं और अच्छे दोस्त बनाए हैं, जो बॉन्ड है उनका स्पेशल बॉन्ड्स हैं। पर साथ में प्रियंक जो है उनके पास तो बहुत क्लियर एडवांटेज था, कि जो बेन है वो भी उनकी पहले से फ्रेंड थी, जो विकास है वो तो बहुत ही गहरे मित्र हैं, और अब देख सकते हैं आप जो विकास के साथ उनका चल रहा है और बेन के साथ भी बहुत क्लोज थे, तो दो फ्रेंड्स होना एक घर में बहुत बड़ी चीज है, बहुत मेंटल सपोर्ट मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो लव है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने घर में बताया, पहले बिल्कुल अकेले थे, उनको कोई भाव नहीं दे रहा था, पर अब धीरे धीरे उन्होंने फ्रेंड्स बनाया है, तो ये भी पॉइंट जो है लव के पक्ष में जाता है।
और पांचवा पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन लव के पक्ष में जाता है कि टास्क में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया और कैप्टेंसी के भी बहुत बैटल्स उन्होंने फाइट किए हैं। ऑन दी अदर हैंड जो प्रियंक है टास्क में कहीं दिखे नहीं, कुछ इंप्रेस नहीं किया, कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं है जिनको हम बोल सकते हैं आपके पास है क्या, क्योंकि हमें तो कुछ दिखा नहीं कि टास्क में बहुत अच्छा कुछ स्टैंड आउट किया उन्होंने या कैप्टेंसी के भी किसी टास्क में ना जीते ना कुछ पार्टिसिपेट किया। पर लव ने तीन कैप्टेंसी के टास्क में पार्टिसिपेट किया है, आप जैसे इमेजेस में देख सकते हैं इस टास्क में कैप्टेंसी के जो बैटल में चाहे वो एक कंटेस्टेंट थे बहुत बुरा पासा पलट दिया था मास्टरमाइंड की तरह और यहां बहुत प्रभावित किया था, हंसाया था बहुत लोगों को। डीनो टास्क में तो पहले दिन बिल्कुल छाए रहे थे और कैप्टन भी बने एक बार, तो बहुत ज्यादा टफ टास्क मास्टर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं और बहुत ज्यादा गेम अच्छे खेले उन्होंने। पर प्रियंक थोड़े हल्के पड़ गए हैं इस मामले में। और अब लास्ट पॉइंट जो अगेन जाता है ऐसी लीड जो बड़ा मुश्किल है उसके क्लोज आना, 6-0 से लव आ गए हैं क्योंकि उन्होंने रूल बुक के अंदर अंदर खेला है। देखिए कई बार जब लोग हो जाते हैं, जब इनसिक्योर हो जाते हैं, कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, लोग फील करते हैं कि क्या करें कैसे आगे जाएं, तो बाउंड्रीज के बाहर चले जाते हैं। और प्रियंक ने तो शुरू में ही जो एक ऐसे उनको फाइट करके उनको हिट करके निकल गए थे बाहर, थ्रो आउट करके उनको एडवांटेज भी मिला, देखिए बाहर जाके कितनी इन्फॉर्मेशन मिली हुई, जब वापस आए तो फिर से लीक इन्फॉर्मेशन करी जबकि उनको बिल्कुल मना किया था, तो कई बार रूल बुक के बाहर चले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, सेंटी हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो जो प्रियंक है अब बैल बुद्धि सही में नजर आ रहे हैं, जो लव ऑन द अदर हैंड मास्टरमाइंड प्ले कर रहे हैं, बहुत इंप्रूव कर रहे हैं उन्होंने गेम। तो हमारी जो फाइनल जजमेंट है वो ये है, तो जो फाइनल जजमेंट है वो क्लियर है। देखिए जो प्रियंक है बाहर से बहुत उनके फैंस होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स लेकर आए हैं, बहुत सारे एक्सपोजर लेकर आए हैं, पर जो प्रियंक हैं उन्होंने जो कॉमनर्स को रिप्रेजेंट किया है वर्सेस अ सेलिब्रिटी विच इज प्रियंक बहुत अच्छे ढंग से किया है, बाहर से कोई एडवांटेज नहीं थी उनके पास, अंदर उनको बहुत वीक बोला, बहुत अंडर एस्टिमेट किया, लोगों ने उनको लताड़ा, पर धीरे धीरे उनका गेम उन्होंने निखरता गया और अब ऐसी पोजिशन में है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और जो प्रियंक है चाहे सेलिब्रिटी थे चाहे बाहर से बहुत सारे एडवांटेज लेकर आ रहे थे पर उन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है जो हमारा एनालिसिस है पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस जिसमें पूरे फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए लाइव स्ट्रीम को। अगर आपको कंफ्यूज थे आप लव और प्रियंक के बीच में भी उस दोनों आपको अच्छे लगते हैं पर अब आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो जरूर लाइक करिए लाइव स्ट्रीम को और शेयर करिए आपकी तरफ फैला दे, क्योंकि अगर आप बिग बॉस के फैन हैं तो जरूरी है कि बहुत अच्छा कॉन्टेस्टेंट ही आगे जाए और जो इतना अच्छा कॉन्टेस्टेंट नहीं है वो रह जाए। देखिए प्रियंक भी हो सकते हैं आपको बहुत अच्छा लगे, तो अगर आपको पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम नहीं कवर कर पाए अपने वीडियो में तो जरूर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे वीडियो आपको देखते रहने तो सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। और देखिए यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन है उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने बताया था कि शिल्पा शिंदे सही थी या गलत जब हितेन एलिमिनेट हुए थे, और ऐसे वीडियोस हम करते ही रहते हैं, तो जरूर शेयर करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ अब लेते हैं अलविदा आपसे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, आकाश भाई को प्यार दीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ। रोज डेली रिव्यू करते हैं, जब एपिसोड एयर हो जाता है उसके ठीक आधे घंटे बाद डेली रिव्यू करते हैं बिग बॉस का, ऐसी डिटेल एनालिसिस के साथ 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 लाइव चैट में ग्लोबल प्लेटफॉर्म देते हैं सबको कि आए और बातें करें हम उनसे, आपके जो रिएक्शन आपके जो ओपिनियंस उनको डिस्कस करते हैं। तो जरूर मिलेंगे आपके साथ आज रात को और कल रात को, हर रात को जब तक बिग बॉस चल रहा है, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।